सबसे पहले बुलाने जा रही हूँ यहाँ पर मेरी फ्रेंड हुमैरा आसिम को। वो यहाँ पर आके ख़ुद बताएंगी कि वो कौन है, यहाँ क्यों है और वो मेरी दोस्त क्यों है, है ना। तो प्लीज़ वेलकम हुमैरा आसिम। आइए जी। हेलो, हाउ आर यू? ये आइए जी, आइए जी, बैठिए जी। दूसरी जो गेस्ट है उनको बताती चलूँ कि वो है, किन को बुलाऊँ। सायमा जी को बुलाती हूँ यहाँ पे। और वो कौन है, क्या है, वो भी हम सुनेंगे उनकी ज़बानी। सायमा जी, हेलो स्वीटी, हाउ आर यू? ओके, ठीक ठाक? लवली, थैंक यू, हैव अ गुड, लवली। अच्छा जी, उसके बाद मेरे साथ है नबीहा रहमान। वैसे नोन फेस है, वेल सोशलाइज्ड, काफ़ी लोग उनको जानते हैं, मगर बाकी बातें होने की ज़बानी आ रही है। आई 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 आई, ओह हाय स्वीटी, हाउ आर यू? थैंक यू। अच्छा जी, एक बड़ा मुश्किल नाम है हमारी दोस्तों में। वैसे जो नाम लेने जा रही हूँ वो आसान है, सरनेम बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, है मरियम, मगर जो साथ है ना मम डोट, तो जो कॉलर्स भी होंगे ना जो कॉल करेंगे तो वो इसी तरह हमें कॉल कीजिएगा, मम डोट। मैं ये नाम पूछ सकती हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो मैं बुलाने जा रही हूँ, बहुत प्यारा चेहरा, आह मारिया मम डोट 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 डोट। हेलो, हाउ आर यू? हाय स्वीटी, कितनी प्यारी लग रही हो, क्यूटी। ओह नहीं, स्वीटी तुम इधर बैठ जाओ, स्वीटी इधर बैठ जाओ प्लीज। ओह गॉड, कितने सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बातें इनके साथ और उसके बाद और भी होस्ट हैं वो भी यहाँ पे शामिल होंगी, मगर बातचीत का सिलसिला जो है यहाँ से शुरू करते। सबसे पहले जो ये पहली हमारी होस्ट हैं वो अपने बारे में बताएंगी, और अगर ये हॉट सीट पे आके अपना इंट्रोडक्शन देंगी तो मज़ा आ जाएगा। ये जी, आइए जी, आइए जी, आइए जी, क्या बात है। अब वो आपका कैमरा है सामने, और कीजिए अपनी ऑडियंस से बात, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है, आई लिव हियर इन लाहौर एंड आई एम अ हाउसवाइफ बेसिकली, बिकॉज़ आई एम सच अ गुड फ्रेंड एंड सो शी कॉल्ड अस हियर, सो वी ऑल आर हियर विद यू गाइस फॉर वन वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। लवली, क्या बात है। हेलो, अच्छा किसके जोड़े पहने हैं जरा बताइए? ये मेरा जोड़ा है मेहंदी का। आहा, ऑन एमएम आलम, बहुत प्यारा लग रहा है। Thank you. क्यूट, वैसे ही आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा ये वेल सोशलाइज्ड होना क्या होता है जरा ऑडियंस को बताइए। यार कुछ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग थोड़े सारे फ्रेंड्स आपके हो जाएं तो आप वेल सोशलाइज्ड हो जाते हैं, और क्या होता है, इट्स ऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्रेंड्स। अच्छा मैं तो खैर जब से लाहौर में शिफ्ट हुई हूँ तो आपसे दोस्ती शुरू हुई, दूसरे लोगों से जब दोस्ती शुरू हुई तो मैंने देखा कि आपकी गैदरिंग में लोग बहुत ज्यादा हैं, एक हो, दो हो, 15 हो, 10 हो, मतलब आपकी तो कोई लिस्ट है, वंडर है, मतलब खुलते जाता है दोस्तों का। बस हम हैं ही ऐसे, इतनी सारी दोस्ती कैसे बना लेती हूँ मेरा यार। एक्चुअली यू नो हर आप डिफरेंट टाइम्स पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, फिर जैसे आपको मिली, फिर आपके साथ मरियम को मिली, इस तरह यू नो फ्रेंड्स बनते जाते हैं, फिर आप क्लिक करते हैं एक दूसरे के साथ तो आपकी लिस्ट बढ़ती जाती है, और फिर जब आप कुछ करते हैं तो फिर आप किसी को नाराज नहीं कर सकते, देन यू हैव टू इनवाइट एवरीवन, तो बस इस तरह होता रहता है। अच्छा आप ताल्लुक रखती हैं सबके साथ, तोड़ती हाँ, नहीं? नहीं नहीं नहीं, आपको कोई मिल जाए, अच्छा ये डिपेंड तो नहीं करता कि उसकी नेचर अच्छी हो, ये वो भी पॉजिटिव हो, आगे से देखती हैं या फिर कहती हैं कोई जैसा भी है दोस्त जरूर बने? नहीं एक्चुअली बात ये है कि आप खुद पॉजिटिव होए ना तो अगले आपके साथ खुद ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं इफ दे आर नेगेटिव इवन। क्या बात है। तो लाहौर में कब से इतनी गैदरिंग दोस्ती कब से शुरू की के ये गर्ल्स सर्कल? और आई थिंक नाउ अराउंड 7 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पहले कहाँ होती थी आप? पहले लाहौर आने से पहले आई वाज इन लंदन, और उसके बाद फिर लाहौर, नाउ आई थिंक 8 इयर्स नाउ इन लाहौर। हाँ माशाल्लाह, मतलब लाहौर शिफ्ट हुए हैं आप 8 साल हो गए, और उससे पहले सिर्फ लंदन में ही? नहीं पहले, उससे पहले लंदन थी, उससे पहले इस्लामाबाद थी,
इस तरह। अच्छा, क्या बात है जी। ये हॉट सीट पे ही हमारी पहली होस्ट है जो आपको आज इन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि आज पहला शो है हमारा, तो वन बाय वन ही मैं इंट्रोडक्शन जो है वो कराती रहूँगी। अच्छा, एक और यहाँ पर हमारे साथ बैठी हैं, इनको भी ज़रा मैं हॉट सीट पर लेकर आना चाहूँगी। ज़रा स्विच करते अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। नबीहा जी बैठी हैं हमारे साथ, है ये हॉट सीट आपकी है और ये हमारी सेकंड एंकर। अब ऑडियंस आपकी, फैंस आपके, बात कीजिए। I'm Dr. Nabeeha Rehman ji. I'm a cosmetic and plastic surgeon. दूसरे अल्फाज में ये कि लोगों को खूबसूरत बनाती हूँ, ज़्यादा हसीन बनाती हूँ। खूबसूरत तो सब लोग होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा हसीन, उनको उनका जो हुस्न है जो वक्त के साथ साथ ढलता है, उसको हम ढलने नहीं देते बेसिकली। सो मैं भी यहाँ पाकिस्तान में 2005 में मूव हुई, एंड आई वॉज़ इन UK बिफोर, और वहाँ मैंने 14 ईयर्स ट्रेनिंग की, स्पेशलाइज किया प्लास्टिक सर्जरी में, और पाकिस्तान आई। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में इस फील्ड की बहुत ज़रूरत है और बहुत यहाँ डिमांड भी बहुत है, लोगों को अवेयरनेस भी माशाल्लाह बहुत है, और यहाँ पे इट्स अ डेवलपिंग स्पेशलिटी। सो आई एम रियली इंजॉयिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ काम करना, क्योंकि यहाँ रियली एक फीमेल प्लास्टिक सर्जन की नीड बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा काम अब आप लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं तो हुई नहीं ब्रेक। वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, डोंट गो अवे। आदाब जरूरी है। ओके, आदाब जरूरी है। आदाब पहले या बाद में? बाद में। अच्छा, बाद में। हाँ, कर दीजिए आदाबर्स।